हेलो गाइस, आप सब लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। और मैं अपना किचन दिखाती हूँ कि मेरा किचन इस तरीके से है कि देखो जी, मेरा रोज़मर्रे का जार है, ऊपर से छोटी सी कढ़ाई है, और ये मेरे रोज़मर्रे के काम है, और ये मेरी शीशी जो रखी है, मुझे सुबह शाम में पीती हूँ। और इसके बाद ये मेरे थायराइड की शीशी है जो मैं रोज़ खाती हूँ, इसलिए मैं किचन में रखती हूँ कि ताकि मुझे कि मैं नहा धोकर ना अपना काम करके नहा के फिर इसके बाद मैं ये दवा खाती हूँ। फिर इसके बाद ये मेरा चम्मच स्टैंड है, मेरे चाकू वगैरह मतलब बेलन वगैरह सब यहाँ पे रखा है। इसके बाद नमकदानी है, जो ज़रूरत पड़ती है वो मेरा दूध का बोतल है, जो रोज़ दूध ही आता है जो उसको देना पड़ता है। इसके बाद जी मेरा जो कहते हैं कि मैं शाम को दही बना देती हूँ, रोज़ बच्चों को देती हूँ कि अच्छा लगता है ना, बच्चों को देना ज़रूर दूध दही सब कुछ। इसके बाद मिक्सी है मेरा, और ये मेरा रोज़मर्रे का सामान है, देखिए ये सब मेरा सामान रखा है जो मुझे रोज़ ना कुछ ज़रूरत पड़ती ही रहती है। इस चीज़ को अचार वगैरह सब रखा है। इसके बाद मेरा ये डलिया है, इसके बाद सारी कलछल वगैरह जो कि ज़रूरत पड़ती है, छन्नी वगैरह सारी चीज़ जहाँ पे मेरा स्टैंड है बर्तन वाला, केतली रखी है जहाँ रोज ये पानी है, जिसमें कि मतलब किसने कहीं ना कहीं चाय बनानी पड़ती है, तो मैं यहाँ पे पानी रखती हूँ कि मुझे ज़रूरत पे तुरंत पानी मिल जाए। और ये मेरा ये कहते हैं ना वॉश बेसिन है। इसके बाद ये मेरा हमारा ये जो कहते हैं ना कि जूना वगैरह है सब इसमें ऊपर रख देती हूँ। ये मैंने ही बनाया था, एक लकड़ी का टुकड़ा पड़ा था प्लाई का, उसी का। और इसके बाद ये हमारा ये नीचे है ये बर्तन रखने का, मैं बर्तन जब भी धोती हूँ तो इसी में डलिए में रखती हूँ जो टांगती थी, और वहाँ उसमें मेरा ये क्या कहते हैं गेहूँ रखा हुआ है। और इसके बाद ये मेरा सिलबट वगैरह है, और ये मेरा जो इसमें है जैसे मैं सामान लाती हूँ एक्स्ट्रा जो हो जाता है मैं इसमें सामान रखती हूँ। इसके बाद इसमें आटा हो गया, मैदा हो मतलब चावल का आटा मैदा इसमें, और रोज़ मेरा घी है, और मतलब जो कुछ छोटे छोटे आइटम वगैरह हैं जो कप वगैरह कटोरी वगैरह मैं रखती हूँ यहाँ पे, वो मेरा छिरका रखा हुआ चावल रखी है, और ये हमारा आटा रखा है और तसला रखा है। इसके बाद जो एक छोटा सा कहते हैं ना अल्मोनियम का भगोना टाइप का रखा है, और जी मेरे इसमें खाना रखा है क्यों ओपन है मेरा जो किचन जो। और इसके बाद ये मेरा सिलेंडर है जो कुछ इस तरीके से दिखता है, ये जो ये भी मेरा सिलेंडर खाली रखा है जो ये भरने के लिए है। इसके बाद ये हमारा सामने ये तख्त पड़ा हुआ है जो बच्चे बैठ के यहाँ पे खाना खाते हैं, और इस कुछ इस तरीके से हमारा ओपन किचन है जो बरांडे में ही है। इसके बाद ये पर्दा है, ये पर्दा है जो कि मतलब धूल मिट्टी आती है तो इसे। इसके बाद ये मेरा एक चीज़ देखा है, ये मेरा जो इस तरीके है एग्जॉस्ट लगा है जो मतलब जो कुछ छोक वगैरह है सब बाहर निकल जाता है इस तरीके से है। ऊपर मेरी टांड बना हुआ है जो इस तरीके से मैंने एक साड़ी से बना रखा है, कहते हैं ना हाँ कि मिट्टी धूल मिट्टी नहीं जाती। इसके बाद ये मेरी फ्रिज रखा है, इसके बाद ये सब्जी का जो है स्टैंड है जो इसमें प्याज वगैरह आलू वगैरह रखती हूँ, लहसुन वगैरह रख। इसके बाद ये हमारा इन्वेटर है, इसके बाद सामने विंडो है, इसके बाद ये सामने घड़ी है, इसके बाद ये चमटा ये लगा है जो रोज़मर्रा की मुझे रोज़ की ज़रूरत पड़ती है। ये मेरा सैनिटाइजर रखा है जो खाली हो गया है, ये हमारा फ्रिज साफ करने वाला, ये जो है मतलब बहुत पुराना है, ये समय का नहीं जो टूट गया, इसको बनाने के लिए सोच रही हूँ। इसके बाद ये मेरा तेल, ये मेरा मेकअप बॉक्स है, और जो इस तरीके से रखती हूँ रोज़मर्रा की ज़रूरत पड़ती है। ये मेरा लड़का है बड़ा लड़का जो श्यामल रंग का है, जो उसे कुछ ना कुछ उसे लाने हैं अपने चेहरे को साफ करने के लिए, और ये हम बच्चों की घड़ी है जो रोज़मर्रा की उनको ज़रूरत पड़ती है।
जी मेरा जो ये नेल कटर है इसलिए मैं रखती हूँ यहाँ पे कि जैसे ही मेरे हस्बैंड मांगते हैं तुरंत यहाँ से मिल जाता है, क्योंकि काम करने वक्त तो ये ऐसा हो जाता है कि भूल जाती हूँ मैं कहाँ रखती हूँ कहाँ नहीं। इससे कर मैं यहाँ पे सेफ जानती हूँ कि यहाँ रखा है तुरंत मिल जाता है। ये मेरे ब्लॉक ताले हैं। इसके बाद ये हमारा इस तरीके से ये मेरा सिंदूर रखा है जो मैं तुरंत ही मुझे यहाँ पे सिंदूर मिल जाता है। इसके बाद देखिए मेरा कितना सुंदर मनी प्लांट है, कितना सुंदर, बहुत अच्छा है, ग्रीन ग्रीन है ये, बहुत मुझे बहुत प्लांट अच्छे लगते हैं। इसके बाद ये सामने हमारा शीशा रखा है और कंघा रखा है जो मतलब तुरंत मुझे यहाँ पे बच्चों को मिल जाते हैं और कुछ ढूंढना भी नहीं पड़ता है। यहाँ पे हमारे बड़े लड़के का मार्कशीट वगैरह टंगा है और ये हमारे इस तरीके से। अब मैं अपना रूम दिखाती हूँ, बस छोटा सा रूम है, मैं नया नया रूम है जो इस तरीके से। ये मेरा गेहूँ रखा है जो फ्रेश है, जो मैं इसे जब भी आटा ख़त्म होने पर आ तो मैं पिसवा लेती हूँ तुरंत, मैं गेहूँ साफ करके रख देती हूँ ताकि मुझे तुरंत ही आटा पिसवा लूँ। ये मेरा बच्चे का बैग रखा है। इसके बाद ये सिलाई मशीन है जो अंधेरा टाइप का है, रोशनी बहुत कम आ रही है। ये मेरा विंडो है। इसके बाद ये हमारा बिस्तर वगैरह रखे हैं कुर्सी पे, और ये अलमारी है जिसमें इसमें छोटा सा ऐसे बक्से वगैरह रखे हैं, अंधेरे में आपको दिखा नहीं, जो बक्से वगैरह रखे हैं। ये मेरा ये ब्रश है जो मैं झाड़ती हूँ रोज़। इसके बाद ये बिस्तर वगैरह है का कुछ सामान आइटम जो वगैरह, अंधेरा है दिख नहीं रहा है। इसके बाद ये मेरा सामने है सामान रखा है जो जो मैं मेरे बच्चों के गुल्लक रखे हैं, दो गुल्लक हैं जो मैंने भर गए हुए हैं जो मैंने बक्से में डाल दी, ये गुल्लक फिर से भरने। इसके बाद पूजा घर है जो अंधेरा लग रहा है गैस। इसके बाद मेरा सामान नीचे है, कॉपी है, कुछ रोज़ में मतलब ज़रूरत पड़ जाने पे मैं यहाँ पे एक बॉक्स लगे मतलब गत्ते का बॉक्स उसमें रखती हूँ कि ज़रूरत में। इसके बाद ये हमारा ये जो यहाँ पे मैं जो सरस्वती माता है जो बच्चे पूजा करते हैं उनका प्रणाम रोज करते हैं, बस यही है। इस तरीके से हमारा हमारा घर का जो हमारा बेड भी है, बक्सा भी है जो मैं गांव में रखा है, और मैं न्यू न्यू यहाँ पे मकान बनवाई हूँ, अब मैं वहाँ से मंगा लूँगी। इसके बाद इस करीब ये मेरा मझला बेटा है और मैं आपको अपना वॉशरूम दिखाती हूँ। इसके बाद ये है इस तरीके से वॉशरूम है जो मतलब वॉशरूम देखो इस तरीके से वॉशरूम है जी हमारा है। इसके बाद ये निरमा वगैरह है, साबुन वगैरह है ये जो रखा होता है। इसके बाद वॉश बेसिन ये है, और इस तरीके से जरूर रोज़मर्रे की जो पोछा ओछा लगा लिक्विड वगैरह है वो वहाँ पे रखा हुआ है। ये हमारा पोछा ओछा रखा है, धोती हूँ तो। इसके बाद पानी फ्रेश, ये जो मुझे रोज के खाने के लिए पानी ज़रूरत पड़ती है वो है कूड़ादान। ये मेरा नल है जो बेकार हो गया, इसमें पानी नहीं देता है। इस तरीके से है, ये मेरा जीना गया है वो देखो, इतने प्लांट इतने अच्छे लगते हैं कि इसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कुछ इस तरीके से लुक आता है हमारे बरामदे किचन का, ठीक है। इसके बाद ये देखिए मेरा इतना सुंदर प्लांट है कि बहुत सुंदर लगता है, बहुत अच्छा लगता है मुझे इस तरीके से प्लांट को। इसके बाद मैं आपको ये दिखा, ये मेरे हस्बैंड का सामान है जो कारपेंटर का काम करते हैं जी, हमारा गैलरी है। अब इसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ ये हमारा बैठक है जो गेस्ट रूम कहते हैं, इस तरीके से दिखाई देता है जी। देखिए ये हमारे बच्चे जो कहते हैं ना, हमारा छोटा वाला है ना, उसकी इतना वो जो भी लाता है बहुत प्रेम, किसी को देता नहीं है, वो अपने ना खेलता है ना, बस वो अपने अपनी गाड़ियों को अपनी हर चीज़ को सजा के रखता है। इस तरीके से बहुत दे दिए हैं, बांट दिए हैं। और इस तरीके से ये मेरी टीवी है, ये मेरा मेज है, ये इस तरीके से, और इस तरीके से हमारा ये है बाहर का दरवाज़ा बैठक का, और जी मेरा पर्दा है, ये विंडो है। इस तरीके से मेरा गाइस, आप सबको कैसा लगा हमारा घर, आप सब लोग प्लीज़ लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू।